नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बांसुरी पर जो सॉन्ग है राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी, उसके नोट्स बताने का आपको मैं ट्राई करूंगा कि आपको किस तरह से वो बजाना है। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं आपको नोट्स बताऊं उसको आपको समझना है और फिर बजा के देखना है। तो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। ये फ्लूट है डी शार्प स्केल की। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब तीन होल्स हम बंद करेंगे तो ये साउंड होगा वो डी शार्प नोट का साउंड होगा। इसको हम उठाते हैं ग नोट से, ये सा रे ग, ग शुद्ध। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरह से है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो पहली लाइन है इसमें तो आपको सभी स्वर शुद्ध लेने हैं, ग रे और सा, और उसके बाद लो ऑक्टेव में ध शुद्ध। ठीक है दोस्तों, आपको स्टार्ट करना है ग नोट से, यानी कि ग शुद्ध से, ग रे सा, जो परदेसी परदेसी वाली लाइन है, ग रे सा सारे साधा सारे साधा। फिर से देखते हैं, ठीक है, गे सा सारे साधा, यहां तक हुआ। इसके बाद मुझे छोड़ के, अब आपको यहां पर ऑब्जर्व करना है कि मुझे छोड़ के पर वो हल्का सा इंटेंस फीलिंग आई वहां पर, थोड़ी सी सैड आया, क्योंकि वो छोड़ने की बात कर रहा है तो सैड आया, तो इसलिए वहां पर ग कोमल का प्रयोग किया है। जैसे धा के बाद आपको सा पर आना है। ठीक है, फिर से देखिए, धासा, धासा रे ग कोमल रे, फिर ग शुद्ध, मुझे छोड़ के ग शुद्ध रे सा। ग कोमल और ग शुद्ध का प्रयोग दोनों को आपको करना है, जो आपको समझना है और सुनना है कि कब ग कोमल प्रयोग हुआ है और कब ग शुद्ध। फिर से सुनिए, यहां पर ग कोमल, ये ग शुद्ध। फिर से सुनिए, ये हमने सा पर खत्म की। ये पहली लाइन है, इस तरह से आपको बजा के देखना है, और अगर नहीं आता है तो फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो इसकी कंपोजिशन है, जो धुन है, उसको आपको अच्छे से सुनना है और फिर ट्राई करना है। एक बार मैं आपको सुनाता हूं फिर से। ये हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, वो आपको लेना है। प नोट से स्टार्ट करना है, प से आपको डायरेक्ट आना है ग नोट पर, पर देसी मेरे यारा, प प प ग प। ठीक है, ये नोट हमारा है ध नोट, जो इसका एंडिंग है, जहां पर वो ठहराव है वो है ध नोट पर। ठीक है, पा 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 गा पा 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 धा, ये था हमारा ध शुद्ध। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो प, ये हमारा प हुआ, ये ध, और इसके बाद नी कोमल भी प्रयोग होगा, वो आपको बताता हूं कैसे। यहां तक हुआ, वादा निभाना पर आपको फिर नीचे की तरफ आना है। जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर से उसमें ग कोमल प्रयोग हुआ है। फिर से सुनिए ध्यान से, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, वो आपको उठाना था प नोट से, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, प ध ग, फिर ग कोमल और फिर ग।
ग शुद्ध, ग कोमल और फिर ग, ये तीन प्रयोग नोट हुए हैं लास्ट में। फिर से सुनिए पूरा। फिर से अब यहां पर नी कोमल प्रयोग हुआ है, ठीक है। कहीं भूल न जाना, एक नोट मिसप्लेस हुई। फिर इसके बाद जो इसका अंतरा है उसमें, अब उसमें भी सिंपल तरीके से है। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया। इसमें सिर्फ रे ग सा तीनों शुद्ध प्रयोग होने हैं। फिर से देखिए, ये यहां से टाइए। फिर इसके बाद म शुद्ध और प से होते हुए फिर वापस आपको सा पर आना है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे जो उंगलियां हट रही हैं वहां पर कौन कौन सी नोट्स हैं, उसको आप देखकर पहचानिए और फिर बजाने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद फिर से जो हमने स्टार्टिंग में दूसरा लाइन गाया था उसी तरह से फिर वापस करना है। फिर से उस लौट कर वापस आपको आना है। तो जो इसमें हाई नोट है वो आपको नी कोमल लेकर आना है, नी कोमल से फिर लौट के आपको सा पर आना है। तो इसमें नोट्स जो प्रयोग हुई हैं वो नी कोमल, ध, ठीक है, प, म शुद्ध, ग, ग कोमल, रे शुद्ध, सा। इन नोट्स को आपको अदल बदल कर देखना है और जो कंपोजिशन है उससे आपको बजाकर देखना है, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं आपको नोट्स डायरेक्टली बता देता हूं तो उससे आप ये गाना तो बजा लेंगे, लेकिन जब आप कोई दूसरा गाना बजाएंगे तो उसमें आपको परेशानी होगी। तो मेरा उद्देश्य हर वीडियो में यही रहता है कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट है म्यूजिक का उसको समझें, ना कि उसको रटें। जितना आप रटेंगे उतना आपको नुकसान होगा। तो जैसे मैंने आपको नोट्स बताए हैं कि ये नोट्स प्रयोग होने हैं, तो अब आप कोशिश कीजिए कि इन नोट्स को प्रयोग करके आप धुन निकालने की कोशिश करें जो भी सॉन्ग आपका है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया है परदेसी परदेसी, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।